20 सितंबर 2023 को कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी जी का ये इंटरव्यू रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि 19 सितंबर को न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में एंट्री करने से पहले उन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉपीज बांटे गए उनमें सेक्युलर और सोशलिस्ट ये दोनों शब्द नहीं थे, क्योंकि और उनका ये साफ कहना था कि बीजेपी के मन में खोट है। जो शुरू में था वही दे रहे हैं, लेकिन अंदर के मन सा अलग है, इरादा में खोट है। अब सोनिया गांधी जी का भी इस पर बिल्कुल यही क्लेम था कि प्रियम्बल से ये दोनों शब्द मेलिशियसली हटा दिए गए। इसके बाद तो जाहिर है एकदम से मीडिया का बैकलैश आना शुरू हो गया। पाकिस्तानी न्यूज की ये हेडलाइंस देखो, मोदी प्लान्स टू मेक इंडिया अ हिंदू राष्ट्र, वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट मिसिंग फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वहीं पर एनसीपी लीडर शरद पवार जी का ये कहना था कि गवर्नमेंट ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो एक बायस्ड गवर्नमेंट है। अब ऑफकोर्स मोदी जी ने भी और मोदी गवर्नमेंट ने भी इसका रिप्लाई दिया, जो मुझे पर्सनली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। इसके रिप्लाई में मोदी गवर्नमेंट ने ये कहा, प्रभुता ने इसका जवाब दे दिया है जी, वो जिस समय संविधान बना था वो उस समय ऐसा ही था ना, तो उसके बाद 42nd अमेंडमेंट हुआ तो ओरिजिनल कॉपी होगी ना, ये हमारे प्रभुता ने जवाब दिया है ना इसका, कि हम तो वही प्रियम्बल बांट रहे हैं जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। अब ये जवाब कंफ्यूजिंग इसीलिए है क्योंकि इसका एक मतलब तो ये भी बनता है कि मोदी गवर्नमेंट अपडेटेड प्रियम्बल को काइंड ऑफ इलीगल मानती है। और क्या जिस प्रियम्बल में लास्ट 70 इयर्स में केवल सिर्फ एक ही बार इंदिरा गांधी जी ने ही चेंजेस किए थे और उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड एड किया था, क्या मोदी गवर्नमेंट इसमें बिलीव नहीं करती? क्या ये गवर्नमेंट इस प्रियम्बल को अब इसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाना चाहती? अब गाइस इस पूरे सिचुएशन में एक फैक्ट की बात यह भी है कि किसी भी ऑपोजिशन लीडर ने उस अपडेटेड प्रियम्बल का कोई फोटोग्राफ कोई प्रूफ अब तक मीडिया में रिलीज नहीं किया है। बट साथ ही में यहां पर करंट गवर्नमेंट पर भी आरोप लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने प्रियम्बल में कोई चेंज नहीं किया है तो वो सफाई ही क्यों दे रहे। सो फ्रेंड्स, अब ये पूरा मामला अपने आप में दो पक्षों में डिवाइड हो चुका। ऑब्वियसली करंट गवर्नमेंट जो काइंड ऑफ जिसके कुछ स्पोक्स पर्सन है जो ऐसे अपीयर कर रहे हैं कि वो ये जो दो न्यू वर्ड्स है इसको समझते हैं कि ये गलत तरीके से डाला गया है, इंडिया का जो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट था वो इन दो वर्ड से कंपैटिबल नहीं है और फाउंडर्स भी ये नहीं चाहते थे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऑपोजिशन ये मानती है कि ये दो वर्ड्स बिल्कुल इंडिया के डीएनए से मेल खाते हैं और हर हाल में हमें इन्हें रिटेन करना चाहिए। सो अब यहां पर नेचुरली ये सवाल आ जाता है कि ये दोनों में से आखिर सही कौन है। अब बीजेपी स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला ने इस मुद्दे पर क्या कहा वो एक बार सुन लीजिए। You should know that the constitution that was drafted by Baba Saheb Ambedkar and which was adopted by India on 26th of January 1950 did not contain those two words in the preamble. उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट का प्रियम्बल में ये दोनों वर्ड्स को ऐड करना बिल्कुल गलत था क्योंकि ये इतना बड़ा स्टेप एक ऐसे टाइम में लिया गया जब पूरी की पूरी ऑपोजिशन जेल में थी। दूसरी बात, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब आम्बेडकर खुद भी ये नहीं चाहते थे कि प्रियम्बल में ये वर्ड्स ऐड किए जाएं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि CIA के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ने इंदिरा गवर्नमेंट पर आरोप लगाया कि उन्हें ये चेंजेस करने पड़े क्योंकि उनकी सरकार सोवियत गवर्नमेंट को कंप्लीटली बिक चुकी थी। Now this is a mighty allegation, right? तो guys, इस पूरे फसाद के जड़ के पीछे की स्टोरी क्या है? बहुत ही कम भारतीय ये अच्छी तरीके से जानते हैं और इसीलिए हमने इस पूरे मुद्दे पर डीप रिसर्च किया और जो जो फाइंडिंग्स हमें मिले वो वाकई में आपको हैरतंगेज करके रख देंगे। सो चलो चीजों को एकदम बेस लेवल से जानते हैं क्योंकि मीडिया द्वारा स्प्रेड किए प्रोपोगंडा में कोई सच्चाई नहीं होती। सच्चाई का ज्ञान आपको हमेशा रूट लेवल से चीजों को समझ कर ही आएगा और इसीलिए आज मैं आपके सामने पेश करूंगा पूरी कहानी कि उस वक्त आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा फसाड क्रिएट हुआ और लोग दो कैटेगरीज में बढ़ गए। सो मुख्य सवाल यहाँ पर ये है कि क्या कंट्री के उन डार्केस्ट आवर्स में कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल अपडेट करने का और सोशलिस्ट वर्ड ऐड करने का डिसीजन सही था या फिर गलत? सो मीडिया में हम हमेशा ये सुनते रहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया अपने गरीबी हटाओ की नीति के तहत, लेकिन अमेरिकन सीक्रेट सर्विस एजेंसी CIA के कई डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इंदिरा जी ने सोशलिस्ट शब्द सिर्फ और सिर्फ सोवियत गवर्नमेंट को खुश करने के लिए डाला था। दरअसल CIA ने 2011 में इंदिरा गांधी जी पर बने एक रिपोर्ट द सोवियट्स इन इंडिया मॉस्को'स मेजर पेनिट्रेशन प्रोग्राम को डीक्लासिफाई किया। डीक्लासिफाई का मतलब पुराने सीक्रेट रिपोर्ट्स को पब्लिक स्पेस में रिलीज कर देना। इस रिपोर्ट में CIA ने इन डिटेल बताया कि कैसे USSR गवर्नमेंट उस टाइम के कम्युनिस्ट और कांग्रेस लीडर्स एंड इवन कई सारे जर्नलिस्ट की लॉयल्टी बाय कर रही थी और ये सब वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा गेम चल रहा था। आपको मालूम होगा कोल्ड वॉर, जहां पे USSR और US ग्लोबल डोमिनेशन के लिए अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को जितने हो सके उतने कंट्रीज में फैला रहे थे
ताकि उनके साथ वो स्ट्रॉन्ग अलायंसेस बना पाए जो कि उन्हें एज अ वर्ल्ड लीडर एज अ वर्ल्ड सुपर पावर पोजिशन करने में हेल्प कर सके। अब फ्रेंड्स यहां पर याद रहे कि ये दौर था इमरजेंसी का जब इंडिया की इकोनॉमी अपने वीकेस्ट पॉइंट पर थी। हालांकि अभी इंडिया एक 3.75 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन चुकी है लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है जो तब से लेकर अभी तक प्रोमिनेंट है, मेडिकल डेट पॉवर्टी। देखो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप और मैं एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं तो हम अपने मेडिकल एक्सपेंसेस खुद उठा सकते हैं लेकिन उनका क्या जिनके पास उतने पैसे ही नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 साल की बच्ची बिंदु। एक दिन बिंदु अपनी माँ के साथ एक शेयर्ड ऑटो में मार्केट से घर आ रही थी जब एक लॉरी से ऑटो का एक्सीडेंट हो गया और बिंदु के दिमाग में इतनी भारी चोट आई कि वो अभी ज्यादातर समय बेहोशी रहती है। उसकी ऑलरेडी एक ब्रेन सर्जरी हो चुकी है और डॉक्टर्स के हिसाब से उसे एक और ब्रेन सर्जरी की जरूरत पड़ने वाली है लेकिन उसका खर्चा 14 लाख रुपीज है। बिंदु के पेरेंट्स का ये कहना है कि बिंदु शादी के 10 साल के बाद पैदा हुई है लेकिन आज वो उसके इलाज के वजह से भारी कर्ज में डूब चुके हैं क्योंकि अब तक उन्होंने उसके इलाज में 15 लाख रुपए लगा दिए हैं। और इसीलिए अब बिंदु की आखिरी उम्मीद है आप और मैं जैसे लोग। मुझे खुद को बिंदु के बारे में जानकर बहुत बुरा लगा और इसीलिए मैंने अपने तरफ से कुछ अमाउंट डोनेट कर दिया है लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जितना हो सके कम या ज्यादा बिंदु के ट्रीटमेंट के लिए जरूर डोनेट करें। एम करते हैं कि 10 से 15 दिनों में 14 लाख हम सब लोग मिलकर इकट्ठा कर ले और बिंदु का इलाज हो जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में बिंदु का पूरा प्रोफाइल आपको मिल जाएगा जिसमें आपको सारे ऑफिशियल डिटेल्स मिल जाएंगे। डोनेट जरूर करना क्योंकि आपके थोड़े थोड़े डोनेशन से बिंदु की जान बच सकती है। अब वापस आ जाते हैं फ्रेंड्स टॉपिक पर लेकिन सोवियट्स के इन्फ्लुएंस को जानने से पहले हमें उस कंडीशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना होगा जिसने सोवियट्स को यह अपॉर्चुनिटी पहली बार प्रोवाइड की जिससे वो इंडियन गवर्नमेंट में पेनिट्रेट कर सके। क्योंकि ये तो वो दौर था जब कांग्रेस के अंदर ही काफी सारे गुट बन गए थे और इंदिरा गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। देखो इस पेनिट्रेशन की शुरुआत हुई थी तब जब कांग्रेस ने इंदिरा गांधी जी को ही खुद के उनके पार्टी से एक्सपेल कर दिया था। So, हुआ कुछ यूं था कि 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने थे लेकिन इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी ने अपने पार्टी के अगेंस्ट जाते हुए एक दूसरा कैंडिडेट मैदान में उतार दिया था जिससे जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी दो पार्ट्स कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा फैक्शन में स्प्लिट हो गई थी जिस स्प्लिट ने केवल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बल्कि कांग्रेस एमपीज को भी डिवाइड कर दिया था। उनके टोटल 288 एमपीज में से 220 इंदिरा फैक्शन के साथ हो गए और बचे 68 एमपीज कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ चले गए थे। अब इस स्प्लिट से यह खतरा पैदा हो गया कि इंदिरा गांधी जी को पीएम पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता क्योंकि उस टाइम टोटल 520 एमपीज पार्लियामेंट में थे और पीएम बने रहने के लिए इंदिरा जी को एटलीस्ट हाफ यानी कि 260 एमपीज की जरूरत होती लेकिन उनके पास सिर्फ 220 एमपीज ही थे और इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए कम्युनिस्ट और दूसरे पार्टीज की मदद लेना शुरू कर दी और इस तरीके से फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन गवर्नमेंट में कम्युनिस्ट पार्टी की एंट्री हुई जिन पर CIA डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ये एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने सोवियत गवर्नमेंट से डायरेक्ट फंड्स प्रोवाइड करना शुरू करवा दिया। और CIA ने बाय द वे सिर्फ एलिगेशंस ही नहीं लगाए बल्कि उन्होंने इसके प्रूफ्स भी प्रोवाइड किए जिन प्रूफ्स के अकॉर्डिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को सोवियत गवर्नमेंट दो तरीकों से फंड प्रोवाइड करती थी। पहला मेथड था डिस्काउंट फंडिंग का और दूसरा था हवाला सिस्टम के थ्रू। देखते हैं कि इंदिरा गवर्नमेंट को सोवियत से डिस्काउंट फंडिंग के थ्रू कैसे पैसे मिलते थे यानी कि डिस्काउंट के थ्रू फंड्स अवेलेबल करवाना। तो देखो CPI कम्युनिस्ट लिटरेचर के प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पीपल्स पब्लिशिंग हाउस PPH नाम की एक कंपनी ओन करती है जो बाय द वे आज भी CPI का पब्लिशिंग हाउस है। अब CIA डॉक्यूमेंट के अनुसार PPH को सोवियत गवर्नमेंट कम्युनिस्ट लिटरेचर 60-65% के डिस्काउंट्स पर बुक्स अवेलेबल कराती थी। मतलब सपोज करो किसी बुक का मार्केट प्राइस 100 रुपीज है तो PPH को वही बुक सोवियत से 35-40 रुपीज में मिल जाता था। अब सोवियत्स की नजर से अगर आप देखोगे इतने डिस्काउंट पर किसी चीज को सेल करना भले ही मोमेंटरी लॉस लग रहा हो लेकिन ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी थी। इन्वेस्टमेंट जिसका बेनिफिट जरूरत पड़ने पर सोवियत्स ले सके और CIA का ये क्लेम है कि यही सोवियत बुक्स PPH के ओवरऑल सेल का 3/4 होते थे जिसका एनुअल सेल 1 करोड़ रुपीज से भी ज्यादा था। अब 1960-1970 के टाइम पर ये CPI के लिए कितना बड़ा अमाउंट होगा ये आप खुद ही गेस कर सकते हो।
अब डिस्काउंट फंडिंग पीपीएच के थ्रू सीपीआई को फंड्स प्रोवाइड करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं था। इसके अलावा सीपीआई जर्नल्स में सोवियत एड्स पब्लिश होना और पीपीएच को नो इंटरेस्ट वाले हैवी लोन सैंक्शन करना जैसे एडिशनल मेथड्स भी थे, जिनसे सोवियत गवर्नमेंट इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी में इन्वेस्टमेंट करती थी और जिस इन्वेस्टमेंट से सोवियट्स अपने लिए इन्फ्लुएंस बाय करते थे। बट अब जबकि कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी साथ में गवर्नमेंट चला रही थी, तो यही सोवियत फंड्स और इसके साथ सोवियत आइडियोलॉजी भी कांग्रेस पार्टी में इन्फिल्ट्रेट करने लगी। CIA का तो ये भी दावा है कि एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के 40% MPs सोवियत के पैसे ले रहे थे। और इवन इस चीज का खुलासा और भी बहुत सारे खुलासे आपको मित्रोखेन आर्काइव्स में भी मिल जाएगा, जो कि उस समय के KGB के डायरेक्टर, जो कि USSR की सीक्रेट एजेंसी थी, उन्होंने USSR के सारे ऑपरेशंस के बारे में लीक किया था। सो डेफिनेटली बहुत ही क्रेडिबल डिस्क्लोजर था। लेकिन इस वीडियो में हम मित्रोखेन आर्काइव्स के बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे, कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है और ऊपर आई बटन पे मैं उस वीडियो को डाल दूंगा, आप उसे बाद में देख सकते हो। सो यहां तक हमने ये जाना कि कैसे सोवियत गवर्नमेंट इंडिया के CPI को उनके पब्लिशिंग हाउस PPH के द्वारा कैसे पैसे पहुंचा रही थी। दूसरा तरीका CPI और कांग्रेस पार्टी को पैसे पहुंचाने का था, हवाला सिस्टम। इसके लिए सोवियत ने या तो उन कांग्रेसमैन को अपना निशाना बनाया जो पॉलिटिशियन होने के साथ साथ ऑलरेडी बिजनेसमैन भी थे, या फिर उन इंडियन बिजनेसमैन को एज अ हवाला मीडिएटर यूज किया गया जो सोवियत में ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो। अब ये हवाला नेक्सस कैसे ऑपरेट करता था, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज एक भारतीय कंपनी है आई, जो रशिया में ऑपरेट करती है, उसे रशियन गवर्नमेंट 500 वुलन कोट्स परचेज करने का ऑर्डर देती है और एक कोट का प्राइस 600 रुपए। तो इन नंबर्स के अकॉर्डिंग रशियन गवर्नमेंट को 3 लाख रुपए पे करने होंगे, राइट? लेकिन अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। ये सारा लेन देन सिर्फ दिखाने के लिए होता था। मेन ऑब्जेक्टिव तो इंडियन पॉलिटिशियंस को इस चैनल के थ्रू पैसे पहुंचाने होते थे, और इसीलिए यहाँ पर रशियन गवर्नमेंट कंपनी को परचेस ऑर्डर से ज्यादा प्राइस पे करती। सो मान लो कंपनी को 3 लाख के जगह पर 4 लाख पे किया जाएगा, और साथ ही आय को सोवियट्स द्वारा इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगे कि उसे परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट कोट्स भी हाफ ही सप्लाई करने, और इस तरह रशिया को 500 की जगह पर केवल 250 कोट्स ही सप्लाई किए जाएंगे, और वो भी 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर। अब देखो आय तो कंपनी है, उसे कांग्रेस और पॉलिटिक्स से क्या मतलब, तो उसे अपने 250 कोट्स के बदले उसका एक्चुअल प्राइस यानी 1.5 लाख रुपए तो मिल गए, प्लस इस हवाला नेक्सस का टूल बनने के लिए एक नॉमिनल फी 10% भी मिलेगा। लेकिन बाकी का पूरा पैसा कंपनी आई को उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को डिलीवर करना होगा। हालांकि CIA रिपोर्ट में एग्जैक्ट फिगर्स मेंशन नहीं है कि टोटल कितना फंड वो हर साल पॉलिटिशियंस के लिए इंडिया में पंप करते थे, बट जो भी हो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जरूर रहा होगा। इसके अलावा सोवियट्स की फंडिंग कई इंडियन मीडिया हाउसेस को भी जाती थी, ताकि वो सोवियट्स की आइडियोलॉजी और प्रो सोवियत व्यूज और न्यूज इंडियन माइंड्स में प्लांट कर सके। CIA डॉक्यूमेंट के अनुसार तो देश की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट न्यूज एजेंसी PTI, जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इससे सोवियट्स इतने फेवर्स रिसीव कर लेते थे कि कई सारे सोवियत ऑफिशियल्स तो PTI को प्रेस टैस ऑफ इंडिया बुलाते थे। टैस रशिया की एक न्यूज एजेंसी है, TASS। इस तरह सोवियट्स हर फ्रंट पर इंडियन स्पेस का यूज अपने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियाज और प्रोपोगंडा को प्रमोट करने के लिए कर रही थी। और सैडली उस टाइम देश में फूड क्राइसिस और पॉवर्टी भी काफी था, जिसने कम्युनिस्ट आइडियाज को ग्रो होने के लिए एक फर्टिल ग्राउंड प्रोवाइड किया। हालांकि इस फर्टिल ग्राउंड पर सोवियत स्पॉन्सर्ड कम्युनिज्म से ज्यादा इंदिरा गांधी जी के सोशलिस्ट आइडियाज ग्रो हुए, क्योंकि उस वक्त इंडियंस ने रेडिकल कम्युनिज्म की जगह पर इंदिरा गांधी जी के सोशलिज्म को प्रेफर किया। एक्चुअली CIA के ही रिपोर्ट के अनुसार उस टाइम पीरियड में हुए स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस ने 77% सीट्स जीती थी, और वहीं पर CPI को जनता ने रिजेक्ट करते हुए केवल 4% सीट्स ही दिए थे। लेकिन सोशलिज्म के थ्रू कांग्रेस पार्टी को स्टेट और सेंट्रल दोनों लेवल पर सक्सेस मिलती रही, जैसे कि 1971 जनरल इलेक्शंस में हुआ, जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया तो जनता ने उन्हें सत्ता में वापस बिठा दिया। और कुछ इसी तरह से स्टेट और सेंट्रल लेवल पर मिले इतने बड़े मैंडेट ने इंदिरा गांधी जी के एम्बिशंस को नए लेवल पर पहुंचा दिया, जिसके बाद उन्होंने खुद को और ज्यादा पेट्रियोटिक दिखाने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन उन्हें ये पता था कि पाकिस्तान की मदद करने USA आ सकता है, और इसीलिए उन्होंने USSR के साथ अगस्त 1971 में ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन डील साइन की, जिसका बेनिफिट भी उन्हें 1971 वॉर में मिला। और ये तो हम सभी जानते हैं 1971 में जब USA पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए आया था तो USSR आर्मी ने ही हमारी मदद की थी। और इसीलिए CIA डॉक्यूमेंट इस पूरे USSR और कांग्रेस पार्टी के रिलेशन को कंक्लूड करते हुए ये कहती है कि बेसिकली USSR के इतने सारे एहसानों की वजह से इंदिरा गवर्नमेंट सोवियट्स के मॉरल डेट में फंस चुकी थी, और इस डेट
को पे किया उन्होंने प्रीएम्बल में सोशलिज्म वर्ड को ऐड करके, क्योंकि सोशलिज्म उन्हें डबल बेनिफिट दे रहा था। पहला, जनता सोशलिस्ट इंदिरा गांधी को पसंद और वोट कर रही थी, और दूसरा, यूएसएसआर जैसा एक पावरफुल देश सोशलिस्ट इंडिया के सपोर्ट में खड़ा था। लेकिन सोशलिज्म की तरफ इंदिरा गांधी के झुकाव की एक और एक काफी बड़ी वजह थी कांग्रेस के अंदर का पावर स्ट्रगल, जिस पावर स्ट्रगल में इंदिरा जी सोशलिज्म का यूज करके ही एक गूंगी गुड़िया से आयरन लेडी बन गई। इस सफर की शुरुआत हुई 1966 में, जब पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मौत हुई। इस दौर में कांग्रेस पार्टी एक नए पीएम फेस की तलाश में थी, जिसमें पीएम बनने की रेस में सबसे आगे थे सीनियर लीडर मुरारजी देसाई। लेकिन उस दौरान कांग्रेस पार्टी में एक पावरफुल ग्रुप सिंडिकेट का काफी दबदबा था, जिसके लीडर्स थे ये सभी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, और यही सिंडिकेट मुरारजी देसाई को पीएम नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उन्हें डर था कि मुरारजी देसाई, जो कि खुद एक सीनियर लीडर है, वो पीएम बनते ही अपने डिसीजंस खुद लेने लगेंगे, जिससे सिंडिकेट का पार्टी में दबदबा कम हो जाएगा। और इसीलिए सिंडिकेट को एक ऐसे पीएम कैंडिडेट की जरूरत थी जो एक पपेट की तरह काम करे, जो उनके कंट्रोल में रह सके। अब सिंडिकेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंदिरा गांधी जी उस वक्त बिल्कुल फिट बैठ रही थी। सो बात कुछ ऐसी है ना, 1967 तक इंदिरा गांधी कोई मास लीडर नहीं थी, उनका खुद का कोई पॉलिटिकल बेस नहीं था, और इस बात को अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी CIA ने भी अपने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि सिंडिकेट लीडर कामराज ने इंदिरा जी को इसीलिए पीएम बनाया क्योंकि इंदिरा जी का अपने होम स्टेट यूपी तक में कोई पॉलिटिकल बेस नहीं था, और इसके अलावा इंदिरा जी का पर्सनल पॉलिटिकल प्रोफाइल भी काफी वीक था। और बात दरअसल ऐसी थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी होने के बावजूद शास्त्री जी के कैबिनेट में इंदिरा गांधी को एक काफी लो प्रोफाइल ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री मिली हुई थी, और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शास्त्री जी उनके काम से खुश भी नहीं थे और उन्हें कैबिनेट से रिमूव करने के बारे में भी सोच रहे थे। इवन इंदिरा जी को पर्सनली भी अपना पॉलिटिकल फ्यूचर काफी क्लाउडी नजर आ रहा था। इनफैक्ट इंडिया टुडे के अनुसार वो इंडिया छोड़कर लंदन शिफ्ट होने के बारे में भी सोच रही थी, लेकिन लंदन फ्लाइट लेने से पहले सिंडिकेट ने इंदिरा जी के पॉलिटिकल करियर को एक नई उड़ान दे दी और उन्हें सिंडिकेट की तरफ से पीएम कैंडिडेट बना के मुरारजी देसाई जैसे एक वेटरन लीडर के सामने मैदान में उतार दिया। अब क्योंकि इंदिरा जी को सिंडिकेट का फुल सपोर्ट था, इसीलिए इंटर पार्टी इलेक्शन में उन्हें 355 वोट्स मिले और वहीं मुरारजी देसाई को केवल 169 वोट्स मिले, और इस तरह मुरारजी से लेस एक्सपीरियंस्ड इंदिरा गांधी जी देश की थर्ड पीएम बन गई। लेकिन पीएम बनना तो सिर्फ शुरुआत था, क्या इंदिरा गांधी जी खुद एक पपेट पीएम बने ही रहना चाहती थी? वेल, एक इंसिडेंट बताता हूँ जिससे आप तब की इंदिरा गांधी जी की मानसिकता और कॉन्फिडेंस को समझ पाओगे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार 1969 में इंदिरा जी पार्लियामेंट में बजट पेश कर रही थी, तब वो इतनी नर्वस हो गई थी कि वो बजट भी सही से पढ़ नहीं पा रही थी। इनफैक्ट यही वो वक्त था जब उनका नाम गूंगी गुड़िया पड़ गया था, क्योंकि तब एक सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया जी को इंदिरा जी के लो कॉन्फिडेंस का आभास हो गया था और उन्होंने उन्हें ये नया नाम दे दिया। बट इसी गूंगी गुड़िया को अपना वीक और इनएक्सपीरियंस इमेज ब्रेक करना था, उन्हें सिर्फ सिंडिकेट का एक पपेट पीएम बनके नहीं रहना था, और ये मौका उन्हें मिला कांग्रेस पार्टी के इंटरनल रिफ्ट से। बात कुछ ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी ने 1967 जनरल इलेक्शंस में काफी पुअरली परफॉर्म किया था। 5 साल पहले हुए 1962 इलेक्शन से उन्हें 78 सीट्स कम मिले थे और पार्टी का वोट शेयर भी 4% से डिक्रीज हुआ था। सो इन जनरल इलेक्शंस के बाद हुए AICC मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि कांग्रेस गवर्नमेंट का स्लो सोशलिज्म उनके पुअर परफॉर्मेंस का मेन रीजन है, और यही वो टाइम था जब कांग्रेस में एक ग्रुप यंग टर्क्स ने एग्रेसिव सोशलिज्म को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। इन यंग टर्क्स ने सोशलिस्ट आइडिया से इंस्पायर्ड एक 10-पॉइंट प्रोग्राम बनाया जिनमें नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स और एबॉलिशन ऑफ प्रिंसली प्रिविलेजेस जैसे कई सारे डिमांड्स थे, और इस प्रोग्राम को कांग्रेस के 283 में से 118 MPs का सपोर्ट भी मिला। अब यंग टर्क्स को पार्टी में मिल रहे इस सपोर्ट को देख इंदिरा गांधी ने भी उनके सोशलिस्ट आइडियाज को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें तब लगता था कि इन यंग टर्क्स की मदद से वो सिंडिकेट का कांग्रेस पार्टी में दबदबा कम करने में और खुद कांग्रेस की लीडरशिप लेने में सफल हो सकती है। और इसीलिए जुलाई 1969 में सिंडिकेट के भारी विरोध के बावजूद यंग टर्क्स की डिमांड ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को ऑर्डिनेंस के थ्रू उन्होंने लागू भी कर दिया, और कई रिपोर्ट्स के अनुसार इंदिरा जी का ये सोशलिस्ट मूव पूरी तरह से खुद को रिवाइव करने के लिए था, क्योंकि फेमस हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा के अनुसार 1967 के पहले इंदिरा जी ने रेयरली ही सोशलिज्म वर्ड अपने स्पीचेस में यूज किया था, यानी कि इंदिरा गांधी जी का ये सोशलिज्म एक ऑपर्चुनिस्टिक मूव था।
जिससे इंदिरा जी ने दो ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए, पहला कांग्रेस के सोशलिस्ट आइडियाज की वो लीडर बन गई और दूसरा उन्होंने कांग्रेस के ओल्ड गार्ड्स यानी कि सिंडिकेट्स को ओवरपावर कर दिया। इसके बाद सोशलिज्म की तरफ नेक्स्ट स्टेप लेते हुए उन्होंने 1971 जनरल इलेक्शंस में गरीबी हटाओ और प्रिवी पर्स खत्म करने का स्लोगन दिया। अब इंडियन वोटर्स को भी इंदिरा जी की तरफ से ये न्यू सोशलिस्ट पॉलिसीज और आइडियाज काफी पसंद आए, जिसकी वजह से कांग्रेस 352 सीट्स के साथ सत्ता में वापस आ गई। नाउ सत्ता में वापस आते ही इंदिरा जी ने 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1971 में प्रिवी पर्स को भी एबॉलिश कर दिया और 1971 और 1976 के बीच कई सारे ऐसे सोशलिस्टिक रिफॉर्म्स किए गए, लाए गए। फाइनली 1976 में तो कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड को ही सीधा ऐड कर दिया गया। सो टू सम एवरीथिंग अप, एक सोशलिस्ट वर्ड ऐड करने से एक तीर से तीन शिकार हो रहे थे। पहला, यूएसएसआर की तरफ से फंड्स के साथ मिलिट्री एंड अदर बेनिफिट्स मिल रहे थे। दूसरे तरफ से इंदिरा जी अपने ही पार्टी में एक पपेट पीएम से एक ट्रू लीडर बन रही थी। और तीसरा, सीपीआई के सपोर्ट और सोशलिज्म लीनिंग आइडियोलॉजी से इंदिरा जी पावर में बने रह पा रही थी। अब फ्रेंड्स, आज भले ही सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म इन दोनों वर्ड्स के प्रीएम्बल में ऐड करने को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कह दिया हो, लेकिन आज तक ये दोनों शब्दों को लेकर, स्पेशली सोशलिज्म को लेकर, हमेशा ही कॉन्ट्रोवर्सी बनी रही है। लोगों के इसमें अलग अलग ओपिनियंस है। सो आज आपने इतिहास तो जान लिया, आपने स्टोरी समझ ली कि इसके पीछे क्या क्या घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से ये डिसीजंस लिए गए, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है? देखो, हमारे रिसर्च में हमने कहीं भी ऑफिशियली ये नहीं देखा कि प्रीएम्बल चेंज हो गया, इसमें सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड हटा दिया गया। वो बात अलग है कि पॉलिटिकल पार्टीज इसका राई का पहाड़ बना रही है, एस्पेशली मीडिया चैनल्स। बट इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। आर यू प्रो और एंटी फॉर दिस थिंग? और ऐसे ही एक और एक कॉन्ट्रोवर्शियल कारनामा अभी जस्ट कुछ ही दिनों पहले निकला था, इंडिया वर्सेस भारत का। अब इस इशू को भी हमने इन डेप्थ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ कवर किया है इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो, आपको इंडिया वर्सेस भारत के फसाड के पीछे की भी पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाए। इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल और घंटी दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई वीडियो को आप मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।